में रेस्ट एंड सर्विस एरिया ये बनाया गया है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल पे। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों देखो किस तरीके से ये चल रहा है, ये दोस्तों देख सकते हो हम हैं अभी ईस्टर्न पेरिफेरल पर, और देखो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ पर ये देखो इसको कम चौड़ा किया जा रहा है, यहाँ पर देखो ये गड्ढे किए जा रहे हैं और गड्ढे करके फिर यहाँ पर लगाया जाएगा। देखो कुछ ये काम चल रहा है यहाँ पर, इसको चौड़ा किया जा रहा है क्या, चौड़ा किया जा रहा है क्या, फिर ये मिट्टी अंडरपास। अच्छा तो ये अंडरपास बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देखो वो इन्होंने अंडरपास बनाया है, तो उधर से चढ़ने के लिए यहाँ जाएंगे फिर इधर ऊपर चढ़ जाया करें इस तरीके से, तो इसको इसीलिए चौड़ा किया जा रहा है। अभी देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ से हट के फिर ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, और ये बंद हो जाएगा और फिर ये अंडरपास बनाया जाएगा। ये अंडरपास बनाया है इन्होंने अभी जल्दी में ही, इधर से ऊपर से और नीचे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। और यह है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो देख सकते हो, ये चल रहा है अंडरपास को बनाने का, ये देख सकते हो। और यहाँ पर ये देखो टीम लगी हुई है जो जेसीबी द्वारा खुदाई की जा रही है इसकी, इधर देखो ये खुदाई चल रही है जेसीबी की। और यहाँ पर ये एक्सीडेंट भी हो चुका है, देखो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का, तो ये वाले ये हट के इसमें लग जाएंगे, ये देखो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और यहाँ पर ये चल रहा है जेसीबी जो कि यहाँ से मिट्टी को हटा रहा है दोस्तों, ये देखो ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये जेसीबी चल रहा है यहाँ पर, ये देखो ये मिट्टी को हटा रहा है दोस्तों, मिट्टी को हटा रहा है क्योंकि ये सीधा ये लेन बनाई जाएगी दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से ये मिट्टी को उठाता है, देखो जेसीबी मशीन किस तरीके से ये मिट्टी को उठा रही है गाइस। और ये जो जगह है ये है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है मिट्टी हटाने का, क्योंकि इस पर ये लेन बनाई जाएगी वहाँ से वहाँ तक, क्यों अंडरपास को बनाया जा रहा है अंडरपास के लिए, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने के लिए। ये देखो किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये ट्रकों द्वारा यहाँ से मिट्टी हटाई जा रही है, ये देखो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो अंडरपास बनाने का काम है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए दोस्तों ये बनाया जा रहा है। इसको देख सकते हो ये लेवल में ले आए मिट्टी को, और देखो ये पाइप निकले हैं, ये सारे पाइप निकले हैं, अब ये जब उधर से आएंगे उधर से इधर आने के लिए, तो ये मिट्टी दूसरी जगह से पीटी जा रही है, देखो ये ट्रक ले जा रहा है किस तरीके से। चलो मैं आप लोगों को वहीं चल के दिखाता हूँ नीचे, देखो ले जा रहा है ना ट्रक मिट्टी, भाई साहब कितना भारी भरकम है। देखो दोस्तों ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इसके साइड में ही देख सकते हो यहाँ पर ये रोड को चौड़ा किया जा रहा है। रोड को चौड़ा इसलिए किया जा रहा है एक्सप्रेसवे को क्योंकि ये अंडरपास है, अंडरपास को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये रैंप बना दिया इन्होंने, अब यहाँ से ये कट दिया जाएगा इस तरीके से ऐसे, और अंडरपास में जाने के लिए मतलब उधर से इधर आने के लिए इधर से उधर जाने के लिए, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो कि अंडरपास को चौड़ा करके अंडरपास को चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। और यहाँ पर टीम भी वर्क कर रही है, और टीम किस तरीके से वर्क कर रही है देख सकते हो, क्योंकि ये सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है ताकि इस पर फ्लोर वर्क किया जा सके। देखो ये जो अंडरपास है व्हीकल अंडरपास उसको चौड़ा करने का काम चल रहा है दोस्तों, ये देखो
इसको चौड़ा किया जा रहा है, तो इस पर फ्लोर वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हो ये सरियाँ डाले जा रहे हैं, तो सरियाँ डाल के इसको ऊंचा किया जा रहा है। ये देखो कुछ ये वर्क चल रहा है यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल पे दोस्तों। ये देखो ये टीम लगी हुई है वर्क कर रही है, और उधर से भी आपको दिखाते हैं कि उस पर ये चढ़ने के लिए, क्यों आगे वो पेट्रोल पंप दे रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल भरवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेस पे है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर ये फ्यूल की वजह से इसको चौड़ा किया जा रहा है अंडरपास को। दोस्तों देखो फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें हैं, और उधर से भी देखो वहाँ पर वो बनाया जा रहा है आगे पेट्रोल पंप, वहाँ पर मतलब कि फूड कोर्ट भी बनाया जा रहा है, तो उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो इसी वजह से इस अंडरपास को बनाया जा रहा है दोस्तों, देखो आप सभी ठीक है। तो यही चल रहा है वर्क, और आगे ये चौड़ा हो जाएगा तो फिर आदमी आराम से आ सकता है जा सकता है यहाँ पर फ्यूल के उस साइड में नहीं है। देखो ये है कुछ नज़ारे ईस्टर्न पेरिफेरल के गाइस, ये देखो और सामने से सूरज पड़ रहा, सामने से सूरज है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। तो चलो मैं आप लोगों को आगे फूड कोर्ट दिखाते हैं चल के, ठीक है दोस्तों। देखो ये इस तरीके से बनाया जा रहा है, देखो ये टीम वर्क कर रही है, जिसको चौड़ा करने का काम है वो किया जा रहा है, देख सकते हो कि वो आगे पेट्रोल पंप है और फूड कोर्ट भी है। मजे लो, देखो टीम लगी हुई है इसको चौड़ा करने में, और आगे फूड कोर्ट और पेट्रोल पंप भी है, वो भी बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं चल के, आप लोग देख लो दोस्तों। तो कुछ यही नज़ारे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोस्तों। तो किस तरीके से ये चौड़ा किया जा रहा है, किस तरीके से इसको अंडरपास को बड़ा किया जा रहा है, चौड़ा करने का काम चल रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पर ये सरिये सरिये आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये चौड़ा करने का जो वर्क है वो किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो आगे, देखो ये मिट्टी डाली जा रही है, ये देखो इस वर्क का काम किया जा रहा है, उसको चौड़ा करके और वो आगे फूड कोर्ट रेस्ट एरिया और आपका फ्यूल पंप भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसी वजह से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो इस तरीके से भी देख सकते हो, इसलिए ये चौड़ा किया जा रहा है, और इसका ये जो डिवाइडर है ये वाला, और ये हट जाएगा वहाँ तक, फिर ऐसे ये नीचे उतर के आ जाया करेगा दोस्तों। देखो अर्थ वर्क के ये काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो आगे वो आप लोगों को रेस्ट एंड फूड कोर्ट एरिया आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और अभी हम चल रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे, और आपको बता दूं कि काफ़ी ये गाज़ियाबाद के नज़दीक है दोस्तों, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के कि किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक नीचे से हो जाएगा दोस्तों। तो देखो रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आगे देख सकते हो वो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, आगे भी उधर भी बनाई जा रही हैं, तो दिखाते हैं चल के आप सभी को पास में चल के। तो आगे तो ये दे रखा है अर्बन ढाबा, तो ये बनाया जा रहा है देख सकते हो, इसमें फ्यूल पंप भी है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी है दोस्तों। देखो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखो बिल्डिंग बनाई जा रही है आगे भी पीछे भी, और देखो इधर भी ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो देखो इसको किस तरीके से ये चौड़ा किया जा रहा है रोड को, देखो ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया गया है ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोस्तों, स्टॉप शॉप है अर्बन ढाबा, तो इसको अभी देखो ये बिल्डिंग काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई जा रही है दोस्तों, देख सकते हो ये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस ढाबे को बनाया जा रहा है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया का काम चल रहा है दोस्तों। और ये देख सकते हो ये मशीन चल रही है जो कंक्रीट की लेयर को दोस्तों एक्सटेंड किया जा रहा है दोस्तों, देखो बिछाने का काम किया जा रहा है, इधर से ऊपर उतरने और चढ़ने के लिए हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें।
तो ये वर्क चल रहा है यहाँ पे। देखो किस तरीके से इसको चौड़ा किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो, ये नाप नाप के कर रहे हैं, देखो नाप के, और उसी हिसाब से मिट्टी को ये लेवल में लाया जाता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ये स्टैंड पेरिफेरल है, और इस साइड में नीचे ये देखो ये रोड बनाई जा रही है, ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए दोस्तों, क्योंकि उधर वो फोटो उधर फ्यूल पंप है भारत पेट्रोलियम का, और इधर ये देखो ऊंची लंबी चौड़ी ये बिल्डिंग बनाई गई है, वॉशरूम सारे, मतलब कि इसमें रेस्ट एंड सर्विस एरिया ये बनाया गया है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल पर। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो किस तरीके से ये चल रहा है, देख सकते हो ये तो अभी रोड बनाई जा रही है दोस्तों। तो आप लोग बताओ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। कि एक तो ये फ्यूल पंप बनाया जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, देखो, और यहाँ पर ये देखो मिट्टी की लेयर को चौड़ा करके देखो ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा, वहाँ से ये नीचे उतरने के बाद में देखो यहाँ पर ये रोड को चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों, ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया जा रहा है जो कि पहले नहीं था इस पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर दोस्तों। देखो एक तो बिल्डिंग ये बन चुकी है, उधर पीछे भी बनाई जा रही है, जो उस पर आपको बता दूँ कि ये पिलर बनाए जा रहे हैं, तो पिलर तो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, अब इन पर बस फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा दोस्तों। तो कुछ यही नज़ारे हैं यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है दोस्तों वो बनाया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि फूड कोर्ट एरिया बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा कि एक साइड का तो अभी बन गया है दोस्तों, उसका फ्लोरिंग का काम हो गया है, और देखो ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, उधर भी देखो एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ रहे हैं, और कुछ पिलर का फाउंडेशन बना के उनका जो पिलर का स्ट्रक्चर है वो भी खड़ा कर दिया, सरियाओं का जाल देखो बोरा उधर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और ये आता है गाज़ियाबाद में दोस्तों, ये दोहाई निकलने के बाद में आगे बागपत पड़ेगा, उस साइड में बागपत है आगे, और इधर जाएंगे तो गाज़ियाबाद पड़ेगा। तो यही चल रहा है वर्क देख सकते हो रेस्ट एंड सर्विस एरिया का दोस्तों, जो कि फूड कोर्ट और वॉशरूम सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो इधर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, उसमें पेट्रोल पंप होगा, इधर ये सर्विस एंड फूड एंड सर्विस एरिया होगा दोस्तों। देखो रोड भी बनाया जा रहा है, रोड पे तो कंक्रीट की लेयर तो बिछा दी है दोस्तों, अब इसमें ब्लॉक टॉप किया जाएगा, और नीचे अंडर पास भी है। तो आप लोग बताओ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बताओ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चलिए